फिरोजाबाद के थारपुटा चौराया निकट टीचर कॉलोनी में आज पहले म्यूजिक स्टूडियो का शुभारंभ किया गया, जिसको AR स्टूडियो का नाम दिया गया। शुभारंभ पूरे विधि द्वारा माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना कर किया गया। स्टूडियो के डायरेक्टर रैम स्टार प्रिंस द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया एवं उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजाबाद में यह पहला स्टूडियो बना है जिससे फिरोजाबाद में छिपी हुई प्रतिमाओं को निखारा जा सकता है। गानों के शौकीन लोगों को आगरा और दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने उनको उनके ही फिरोजाबाद में अपना गाना रिकॉर्ड कराने का मौका मिलेगा। इस मौके पर बॉम स्टार प्रिंस के अलावा उनके सहयोगी शशांक वशिष्ठ और सैंटी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से शैलेश झा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सब में बटवा दो क्योंकि आज तो होगी भांग दी पार्टी, दारू डाउन डाउन, आज तो होगी भांग दी पार्टी, दारू डाउन। ये जो स्टूडियो ओपन किया गया है इसका नाम है AR स्टूडियो, आर्यन रिकॉर्ड्स स्टूडियो, जहाँ पर म्यूजिक अरेंजमेंट एंड रिकॉर्डिंग्स, लाइव रिकॉर्डिंग्स सभी कुछ होगा। तो ये क्या सोच के बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अपने जो फिरोजाबाद आसपास के जो भी छुपे हुए टैलेंट है फिरोजाबाद में, मैन तुम्हारे फिरोजाबाद, तो अब ये लोग या तो अपनी चीज़ें बाहर निकाल नहीं पाते, ठीक है, और निकालते भी हैं तो थोड़ा कुछ करते हैं, हाथ पैर फैलाते हैं और दिल्ली मुंबई जाते हैं और धोखे वोखे खा कर लौट आते हैं। तो मेरा ये है कि मैंने काफ़ी काम किया हुआ है म्यूजिक में, तो मैं ये सोचता हूँ अगर मेरा इस चीज़ में इतनी नॉलेज है तो क्यों ना इसको हम अपने आसपास के लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाए। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओपन कराया जिसमें हमारे आसपास की जो भी टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना है तो उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये स्टूडियो ओपन करा हुआ है। इसके माध्यम से जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे मेरा ये कहना है कि मतलब अपने आज के टैलेंट को अगर वो अपने दिल में जो छिपा के रखे हैं उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। और हम ये यहाँ पे हमारे बाईपास रोड के पास में CS रिसोर्ट पड़ता है, थारपुटा चौराहे से थोड़ा आगे इधर आशाबाद की तरफ जब बढ़ेंगे तो CS रिसोर्ट के सामने ये पड़ता है, टीचर्स कॉलोनी के अंदर। तो आप हमसे मिलिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, आपको अच्छा हम लाभ देंगे, अपनी तरफ से जो भी कोशिश होगी आपको आगे बढ़ाने की हम पूरी तरीके से करें। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो लोग हैं वो सिंगिंग करना चाहते हैं और जिन्हें रिकॉर्डिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो यहीं पर वो रिकॉर्डिंग करें और सिखाना भी, जो भी गिटार पियानो सिंगिंग जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर सब सिखाया जाएगा और एक वो माहौल दिया जाएगा जो आर्टिस्ट बनने वाला माहौल, ये नहीं कि बस सीख के वहीं तक रह गए। एक आर्टिस्ट कैसे बना जाता है, कैसे हम किसी परफॉर्म करेंगे किसी स्टेज पर, कैसे हम अपने करियर में आगे जाएंगे म्यूजिक को लेके, म्यूजिक के फील्ड में, तो यहाँ पे सारा माहौल दिया जाएगा। आपको करियर में यहाँ तक कितना समय लगा? देखो मुझे और ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, इसका नाम है शशांक वशिष्ठ और मेरा नाम बॉम स्टार प्रिंस है, हम दोनों फ्रेंड हैं और दोनों म्यूजिकल फील्ड से अटैच थे तो इसीलिए हम फ्रेंड भी बने। तो ये है कि हम लोग साथ में थे तो हमको टाइम हो गया, हम जब क्लास में थे क्लास 8th में थे तब से साथ में म्यूजिक का माहौल बनाने लग गए और आज हमें शायद 10-12 साल हो गए, 10 साल प्लस, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो अब इतना टाइम तो हमें हो गया लेकिन अभी हमें और भी सीखना है और लोग जितना हम सीख चुके हैं उतना हम किसी और को भी सिखाना चाहते हैं, तो बस यही है, चल रही है हमारी जर्नी। आपने अब तक कितने गानों का म्यूजिक तैयार किया है? तो देखो हमने
पहली बात तो लेटेस्ट का बताऊं, लेटेस्ट में हमने अभी प्रशांत वशिष्ठ हमारे जो सर जी हैं उनके द्वारा अभी एक जुर्म की रफ्तार एक सीरियल बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो टाइटल ट्रैक है जुर्म की रफ्तार, वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था तो मैंने उसको भी बनाया है, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी लेटेस्ट करा है। और काफ़ी सारे जो हमारे आसपास के लोग डांस वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, म्यूज़िक एल्बम्स बना रहे हैं। एक टुंडला में कुछ टाइम 4-5 साल पहले सारा जहाँ छोड़ दूँ और बैकी बैकी चाल, ये सारे गाने निकले थे, तो वो मैंने मेरे ही द्वारा बनाए गए थे। और काफ़ी गाने और आजकल भी चल रहे हैं, काम पाइपलाइन में है, काफ़ी सारा वर्क है। तो अभी नया कुछ आपको मिलेगा? नया आता रहेगा, लेकिन ये है कि जो बड़े लेवल का है वो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो काम तो और भी है और